सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ही कह रही है कि कल मैं थिएटर में गई थी मूवी देखने के लिए। बता रही है कि मैं कल थिएटर में मूवी देखने गई थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट टू थिएटर टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। आई वेंट टू थिएटर टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, यानी कल मैं थिएटर गई थी मूवी देखने। आई वेंट टू थिएटर टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। फिल्म इतनी उबाऊ थी कि मैं थिएटर में ही सो गई। बता रही कि मूवी जो मैं देख रही थी वो इतनी उबाऊ थी, इतनी बोरिंग थी कि मैं थिएटर में ही सो गई। इंग्लिश में बोलेंगे द मूवी वो सो बोरिंग दैट आई एंडेड अप फॉलिंग अस्लीप इन द थिएटर। यहाँ पर हमने एंड ऑफ फ्रेज लूप का यूज़ किया है। यहाँ पर ये कहना क्या चाह रही है, बताना चाह रही है कि द मूवी वो सो बोरिंग, यानी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, तो अंत में क्या हुआ कि मैं सो गई। द मूवी वो सो बोरिंग दैट आई एंडेड अप फॉलिंग अस्लीप इन द थिएटर। मूवी इतनी उबाऊ थी कि मैं अंत में जाकर सो गई। द मूवी वो सो बोरिंग दैट आई एंडेड अप फॉलिंग अस्लीप इन थिएटर। ऐसे बोल सकते हो कि द मूवी वो सो बोरिंग दैट आई एक्चुअली डोज्ड ऑफ इन द थिएटर। डोज ऑफ का मतलब है यहाँ पर कि मेरी झपकी लग गई, बोरिंग होने की वजह से मैं सो गई यहाँ पर। द मूवी वो सो बोरिंग दैट आई एक्चुअली डोज ऑफ इन द थिएटर। लेकिन फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त थे। कह रही है कि फिल्म बोरिंग थी और बता रही कि बट द स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी वर माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग मतलब ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे थे। बट द स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी वर माइंड ब्लोइंग। जब भी हम मूवी की तारीफ करते हैं कि भाई इसके स्पेशल इफेक्ट्स बड़े अच्छे थे, बता रहे कि बट द स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी वर माइंड ब्लोइंग। लेकिन फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त थे। अब यहाँ पर इसे देखो, ये कह रही कि हालांकि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे, मूवी मुझे पसंद नहीं आई। अब इसे इंग्लिश में हम ऑल दो का यूज़ करके बनाएंगे। ऑल दो द स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी वर माइंड ब्लोइंग। हालांकि जो स्पेशल इफेक्ट थे मूवी में वो ज़बरदस्त थे। ऑल दो द स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी वर माइंड ब्लोइंग आई डिडंट लाइक द मूवी। मुझे मूवी पसंद नहीं आई। ऑल दो द स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी वर माइंड ब्लोइंग आई डिडंट लाइक द मूवी। हालांकि मूवी के जो स्पेशल इफेक्ट थे बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे पसंद नहीं आए। ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल दो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मूवीज स्पेशल इफेक्ट्स। हालांकि मैं मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स से इम्प्रेस्ड हो गई थी। ऑल दो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मूवीज स्पेशल इफेक्ट्स आई डिडंट एंजॉय द मूवी। लेकिन मैंने मूवी को इन्जॉय नहीं किया। मूवी ख़त्म होने के बाद मैं मॉल में घूमने लगी, यानी जहाँ पे मैंने मूवी देखी थी वो मॉल था, उसमें ही देखी थी। बता रही है कि आफ्टर द मूवी एंडेड, आफ्टर द मूवी एंडेड यानी मूवी ख़त्म होने के बाद, आई स्टार्टेड वंडरिंग अराउंड द मॉल। मैं मॉल में ऐसे ही टहलने लगी, बिना मतलब बिना किसी मकसद के, ऐसे वंडरिंग अराउंड द मॉल। आफ्टर द मूवी एंडेड, मूवी ख़त्म होने के बाद, आई स्टार्टेड वंडरिंग अराउंड द मॉल। मैं मॉल में घूमने लगी। घूमते घूमते मैं डोमिनोज पहुंची, यानी डोमिनोज होते हैं ना जहाँ पिज्ज़ा मिलता है। तो बता रहे कि आई अराइव्ड एट डोमिनोज वाइल एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर कर रही थी मॉल को, यानी वाइल एक्सप्लोरिंग यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि ये मॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। मॉल में इधर उधर जाके देख रही थी कैसा मॉल है। तो बता रहे कि आई अराइव्ड एट डोमिनोज वाइल एक्सप्लोरिंग, यानी एक्सप्लोर करते हुए घूमते घूमते मैं डोमिनोज पहुंची। आई अराइव्ड एट डोमिनोज वाइल एक्सप्लोरिंग, इस तरीके से बोलेंगे। आई एंडेड अप, फिर से हमने एंड अप का यूज़ किया है, आपसे पहले भी किया था। यहाँ पर एंड अप का यूज़ किया है कि हम घूम रहे थे तो अंत में आ जाके हम एक डोमिनोज पे रुक गए। बता रही है अपने बारे में कि आई एंडेड अप एट डोमिनोज आफ्टर सम वंडरिंग, यानी कुछ देर घूमने के बाद मैं डोमिनोज पहुंची। आई एंडेड अप एट डोमिनोज आफ्टर सम वंडरिंग। मैंने अपना मनपसंद पिज्ज़ा ऑर्डर किया और फिर वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगी। आई ऑर्डर्ड माई फेवरेट पिज्ज़ा एंड देन सेट डाउन टू वेट। I ordered my favorite pizza and then sat down to wait. यानी मैंने अपना मनपसंद pizza order किया और फिर वहाँ बैठ गई, इंतज़ार करने लगी। ऐसे बोलेंगे I placed an order, या तो हम बोलेंगे I ordered my favorite pizza, ऐसे बोल देंगे I placed an order, इसका मतलब है कि मैंने order किया। I placed an order for my preferred pizza. देखो यहाँ पर हमने favorite की जगह preferred बोला, ऐसा होता ना कि I prefer, prefer भी होता है कि मैं कुछ पसंद करता हूँ, तो preferred यानी पसंदीदा, जिसे मैं पसंद कर रही थी उस पिज्ज़ा को मैंने ऑर्डर किया। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर माई प्रेफर्ड पिज्ज़ा, मैंने अपने मनपसंद पिज्ज़ा को ऑर्डर किया एंड देन टुक अ सीट वेटिंग, और फिर सीट पर बैठ के वेटिंग करने लगी। आज मैंने लंच नहीं किया, हालांकि मैंने एक सेब खाया था। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोलते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर ये किसी से बता रही है कि आई डिडंट ईट लंच,
कह रही है कि आई डिडंट ईट लंच, यानी मैंने लंच नहीं किया, मतलब कि मैंने लंच नहीं खाया। यहाँ पर हम ईट की जगह हैव का भी यूज कर सकते हैं। कह रही है कि आई डिडंट ईट लंच, मैंने लंच नहीं किया, आई डिड हैव एन एप्पल दो, हालांकि मैंने एक सेब खाया था। तो यहाँ पर हम हालांकि के लिए लास्ट में यूज करेंगे दो का। कह रही है कि आई डिडंट ईट लंच, मैंने आज लंच नहीं किया, यानी मैंने लंच नहीं खाया, आई डिड हैव एन एप्पल दो, हालांकि मैंने एक सेब खाया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि खराब ट्रैफिक होने के बावजूद भी मैं काम पर समय पर पहुंच गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने कहा बावजूद भी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई गो टू वर्क ऑन टाइम, यानी मैं काम पर समय पर पहुंच गया था इन स्पाइट ऑफ द बैड ट्रैफिक, खराब ट्रैफिक होने के बावजूद भी। आई गो टू वर्क ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ द बैड ट्रैफिक, यानी खराब ट्रैफिक होने के बावजूद भी मैं काम पर समय पर पहुंच गया था। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल करने दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड यू लेट मी यूज योर कार, आई एम ग्लैड यू लेट मी यूज योर कार। तो इसके दोस्त ने इसे अपनी कार दे दी थी, तो कह रहा है कि आई एम ग्लैड यू लेट मी यूज योर कार, मैं खुश हूं कि तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल करने दिया। अगर, तो यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस में बात कर रहा है, थर्ड कंडीशनल है। कह रहा है कि अगर तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करने दिया होता तो मैं लेट हो जाता। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव बीन लेट, यानी मैं लेट हो गया होता, या मैं लेट हो जाता है, लेट हो गया होता। आई वुड हैव बीन लेट इफ, अगर यू हैडंट लेट मी यूज योर कार, तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करने दिया होता। आई वुड हैव बीन लेट इफ यू हैडंट लेट मी यूज योर कार, अगर तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करने दिया होता तो मैं लेट हो जाता। मुझे रेस्टोरेंट में मजा आया, हालांकि मुझे खाना पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से हम दो बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैड अ गुड टाइम एट रेस्टोरेंट। तो ये किसी रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ के बारे में बता रही है कि आई हैड अ गुड टाइम एट रेस्टोरेंट, यानी मुझे रेस्टोरेंट में मजा आया, यानी मेरा अच्छा टाइम बीता। आई डिडेंट लाइक द फूड दो, हालांकि मुझे खाना पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर भी हमने हालांकि के लिए दो का यूज किया है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि आई हैड अ गुड टाइम एट रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट में मजा आया। आई डिडेंट लाइक द फूड दो, हालांकि मुझे खाना पसंद नहीं आया। काश हमने कुछ और ऑर्डर किया होता। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश वी हैड ऑर्डर्ड समथिंग एल्स, आई विश वी हैड ऑर्डर समथिंग एल्स, यानी काश हमने कुछ और ऑर्डर किया होता। आई विश वी हैड ऑर्डर समथिंग एल्स, मैं थकी नहीं थी, हालांकि मैंने रात भर काम किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी तारीफ कर रही है, कह रही है कि मैं थकी नहीं थी, हालांकि मैंने रात भर काम किया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉजन टायर्ड ऑल दो आई हैड वर्कड थ्रू द नाइट, आई वॉजन टायर्ड ऑल दो आई हैड वर्कड थ्रू द नाइट, यानी मैंने पूरी रात काम किया था, हालांकि मैं थकी नहीं थी। उसके तुरंत बाद मैं सो गई थी, तो उसके तुरंत बाद इसके लिए हम यूज करेंगे इमिडिएटली आफ्टरवर्ड, इमिडिएटली आफ्टरवर्ड, यानी उसके तुरंत बाद आई फेल अस्लीप, मैं सो गई थी। इमिडिएटली आफ्टरवर्ड आई फेल अस्लीप, यानी उसके तुरंत बाद मैं सो गई थी।